स्वामी, बहुत दिनों से मन में एक बात जानने की अभिलाषा थी, आज्ञा हो तो पूछूं? अवश्य पूछो देवी। सृष्टि के सृजनहार परमपिता ब्रह्मदेव ने इस सृष्टि का निर्माण करके उसे स्वर्ग, पृथ्वी और पाताल में विभाजित किया। भगवान शिव शंकर देवाधिदेव महादेव हैं। उन्होंने पृथ्वी लोक के प्राणियों के बीच कैलाश पर अपना स्थान क्यों ग्रहण किया? संसार के प्राणियों के कल्याण के लिए देवी। देवाधिदेव महादेव के समान इस संसार में और कोई भी उपकारक उद्धारक नहीं है। वे देव, दानव, मनुष्य, पशु पक्षी सबके रक्षक हैं। हमें अपने कल्याण के लिए उन्हीं की आराधना करनी चाहिए। आप सत्य कह रहे हैं स्वामी। अब तुम्हारा प्रश्न है, महादेव ने पृथ्वी लोक के प्राणियों के बीच कैलाश पर अपना स्थान क्यों ग्रहण किया? उत्तम प्रश्न है देवी। स्वामी, मेरे मन में यही जिज्ञासा है। वो इसलिए कि देवता स्वर्ग से पृथ्वी पर आ सकते हैं, मायावी दानव तीनों लोक में विचरण कर सकते हैं, परंतु मनुष्य पृथ्वी से स्वर्ग लोक नहीं जा सकते। उन्हीं मनुष्यों के कल्याण के लिए महादेव ने पृथ्वी पर स्थान ग्रहण किया है, ताकि मनुष्य भगवान शिव शंकर के प्रत्यक्ष दर्शन तथा पूजा आराधना कर सके। अब जाओ अदिति, थोड़ा सा विश्राम कर लो। पति सेवा ही नारी का परम धर्म है स्वामी। आपकी सेवा में ही मन की शांति और विश्राम का आनंद मिलेगा देव। अदिति, कभी कभी ये देखकर मुझे आश्चर्य होता है कि तुम अपनी अन्य बहनों से कितनी भिन्न हो। कहां वो अधिकार की मांग करने वाली तुम्हारी दीदी दीति, और कहां तुम जो एक आदर्श ऋषि पत्नी का कर्तव्य निभा रही हो। कितना अंतर है तुम दोनों में। हाँ हाँ, बहुत अंतर है हम दोनों में। इस अदिति के समान आपके चरणों की दासी रहकर मैं अपने पिता के राज वैभव को लज्जित करना नहीं चाहती। अपना अधिकार में बलपूर्वक प्राप्त करना जानती। मेरे पास आपसे प्रार्थना करने के लिए व्यर्थ समय नहीं है। मैं सबसे बड़ी हूं और आपकी पटरानी हूं। सबसे पहला अधिकार मेरा है। दीदी, 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 चलो यहां से। दीदी, निकल बाहर। दीदी, क्या कर रही हो दीति? ये अनुचित है। तुम्हें समय की मर्यादा का ध्यान रखना चाहिए। मेरे धैर्य का बांध टूट रहा है नाथ। ये अशोभनीय है दीति, अपने पर संयम रखो। सन्यासी नहीं प्रियवर, आपकी पत्नी हूं। आप अपना पति धर्म निभाइए।
दीति, ये संध्या का समय है, इस समय शयन निषिद्ध है। जो आपके लिए निषिद्ध है वही मुझे स्वीकार है, आइए मेरे साथ। दीति ये क्या कर रही हो, इस सूर्यास्त की बेला में तुम्हें क्या सूझी है, तुम विक्षिप्त तो नहीं हो गई हो? हाँ हाँ प्राणनाथ, मेरी नाड़ियों में झंझावात मचल रहा है, मेरी मनोकामना पूर्ण कीजिए। इस संधिकाल में भूत प्रेत वेताल दानव जैसे तामसी प्राणी चारों ओर विचरण करते हैं। इस समय गर्भधारण करने वाली माताओं की संतान तामसी होती है। हाँ प्रियवर, मुझे ऐसी संतान चाहिए जो दानों के समान बलवान और पराक्रमी हो। स्वामी, मुझे मेरा मन चाहा प्रेम दान दीजिए। आप सब महान कश्यप ऋषि की संतान हैं, आप सब भाई भाई हैं। अपने पिता की मर्यादा का सम्मान करते हुए आप सबको आपस में अमृत बांटकर पीना चाहिए। संघर्ष से बचने के लिए हमें देवर्षि की सम्मति मान लेनी चाहिए और अमृत मिल बांटकर पी लेना चाहिए। हम देवर्षि के परामर्श का आदर पूर्वक पालन करने के इच्छुक हैं। देवर्षि, हम आपकी उचित सम्मति मानकर उसका पालन करना चाहते हैं, किंतु विभाजन होगा कैसे, यह कार्य कौन करेगा? जहां सद्भावना होती है सद्मार्ग भी मिल जाता है। इस कार्य के लिए आप लोग किसी निष्पक्ष व्यक्ति को चुन लीजिए। देवर्षि, आप ही इस अमृत का वितरण हम सब कर दीजिए। आप जैसा निष्पक्ष व्यक्ति और कौन हो सकता है मुनिवर? होम करते ही हाथ जल गया। नारायण नारायण, मैं तो एक ही कार्य करता हूं, लोगों को घूम घूम कर भगवत भक्ति का अमृत पिलाता हूं। भला एक साथ दो कार्य कैसे कर सकता हूं? इस कार्य के लिए आप लोग किसी अन्य व्यक्ति को चुन लीजिए। मुनिवर, आप ही किसी निष्पक्ष व्यक्ति का नाम सुझाइए। निष्पक्ष? हाँ, आप लोग त्रिदेवों के पास जाइए। त्रिदेव? भगवान भूतनाथ तो सदा समाधि में रहते हैं और ब्रह्मदेव के हाथ वेद पकड़ते हुए कांपते हैं, और वो विष्णु, वो तो दैत्यों के साथ सदैव छल करते आए हैं। हम कपटी विष्णु पर कभी विश्वास नहीं कर सकते देवर्षि। नारायण नारायण, हर हर महादेव। देवर्षि, स्वभाव अनुसार आप दोनों पक्षों के बीच कुछ सुलझा रहे हैं या उलझा रहे हैं? नारायण नारायण, ना उलझा रहा हूं और ना ही सुलझा रहा हूं। देवी, मैं तो स्वयं ही उलझ गया हूं, किंतु आपके आने से बड़ी प्रसन्नता हुई। मेरे आने से देवर्षि को प्रसन्नता हुई? हाँ देवी, पुरुष की अपेक्षा नारी अधिक व्यवहार कुशल जो होती है, वो अपनी मधुर वाणी द्वारा पाषाण को पिघला सकती है, अहंकारी को अपने चरणों में झुका सकती है, कठिन से कठिन धर्म संकट से उबार सकती है। आप पर ऐसा कौन सा धर्म संकट आ पड़ा? ज्ञान अज्ञान का धर्म संकट, हट अभिमान का धर्म संकट, आग्रह दुराग्रह का धर्म संकट, विश्वास अविश्वास का धर्म संकट, यहां तो अनेक धर्म संकट है देवी। देवर्षि, आप इन्हें पहचानते हैं? क्या नाम है इनका? इनके अनेक नाम अनेक रूप हैं। इन्हें पहचानना
मेरे लिए कठिन है। आपने क्या कहा देवर्षि? इनके अनेकों नाम अनेकों रूप हैं। हां, माता का रूप, पत्नी पुत्री का रूप, अग्नि का रूप, आदिशक्ति जगदम्बा भी तो नारी का ही रूप है। इनके विषय में समझाना मेरे लिए कठिन है। इस स्थान पर नारद का रुकना आप शुभ संकेत नहीं। देवी, अब आप ही इनकी समस्या का समाधान कीजिए। नारायण 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 नारायण, जय शिव शंकर। देवी, तुम्हारे ये मधमाते, ये रस छलकाते रतनार नैन, अधरों पर बाल रवि की लाली, मधुर बैन, देवता और दैत्यों को मंत्र मुक्त कर देने वाली आप कौन है देवी? नहीं पहचाना, मैं हूँ स्वच्छंद नारी, मुझे मोहिनी कह सकते हो। मोहिनी, सच कहा, आप मोहिनी ही हैं, अप्रतिम सुंदर नारी। किंतु आपने अपना परिचय नहीं दिया। हम स्वर्ग लोक के देवता हैं, महर्षि कश्यप की संतान। हम भी महर्षि कश्यप की संतान हैं। बड़े आनंद की बात है, आप दोनों भाई भाई हैं। हम भाई भाई नहीं हैं, ये देवता हैं और हम दैत्य। आश्चर्य है, एक पिता की संतान होते हुए भी आप एक दूसरे को भाई भाई स्वीकार नहीं करते। हम में इनमें अंतर है, क्योंकि हमारी माताएं दो हैं, देवता माँ अदिति की संतान है। हम भी महर्षि कश्यप की पत्नी दिति की संतान है। हम वीरता और पराक्रम में विश्वास करते हैं, देवताओं से हमारी शत्रुता है। आप जाने क्यों लगी देवी? जहाँ शत्रुता और कलह का वातावरण होता है, वहाँ सौंदर्य नहीं टिकता, सौंदर्य शांति का पुजारी होता है। किंतु देवर्षि नारद ने हमारी समस्याएं सुलझाने का दायित्व तो आपको सौंपा है, हमारी समस्याएं सुलझाए बिना आपका जाना उचित नहीं होगा। किंतु आप सबके बीच ऐसी कौन सी समस्या आन पड़ी? देवताओं और दैत्यों ने मिलकर समुद्र मंथन किया, समुद्र में से अमूल्य निधियां प्राप्त हुई, देवताओं और दैत्यों ने उसे मिलकर आपस में शांतिपूर्वक बांट लिया। जैसे ही अमृत प्रकट हुआ, दैत्यों के मन में लोभ जागृत हुआ, ये हमें हमारा भाग नहीं देना चाहते। झूठ बोलते हैं देवता, हम इन्हें अमृत देना चाहते हैं। प्रश्न बंटवारे का था, इन्हें हम पर विश्वास नहीं और हमें इन पर विश्वास नहीं। मोहिनी, दैत्य बलपूर्वक अमृत पर अधिकार करना चाहते हैं, ये अन्याय है। दैत्यों को उदारता का परिचय देना चाहिए, उदारता वीरों की शोभा है, और भाई भाई के बीच ऐसी कोई समस्या नहीं जिसका समाधान ना हो। जहाँ विश्वास नहीं, वहाँ समाधान भी नहीं। तो तुम ही कोई उपाय सुझा दो मोहिनी। किसी को निर्णायक बना लो, इससे कलह मिटाने में सहायता मिलेगी। उचित समय पर तुम्हारा आगमन हुआ है मोहिनी, इस अमृत का विभाजन तुम कर दो, हमें तुम पर पूर्ण विश्वास है। क्या आप सब भी मुझ पर पूर्ण विश्वास करते हैं? हमें पूर्ण विश्वास है। हमें आप पर पूर्ण विश्वास है। स्वच्छंद नारी पर इतनी शीघ्रता से विश्वास नहीं करना चाहिए। किंतु अभी अभी तो आपने कहा था, जहां विश्वास नहीं वहां समाधान भी नहीं। नारी ममता का रूप होती है, उस पर विश्वास करना ही चाहिए। ठीक है, अगर देवता और दैत्य मुझ पर विश्वास करते हैं तो इस समस्या का समाधान होकर रहेगा। हमें तुम पर पूर्ण विश्वास है मोहिनी, हम तुम्हें वचन देते हैं, तुम अमृत पिलाओ, विष पिलाओ अथवा मदिरा, हमें तुम्हारा निर्णय स्वीकार है। आइए, आप लोग मेरे साथ आइए।
आप सभी पात्र ग्रहण करें। देवता इस ओर, दैत्य उस ओर, अपना अपना स्थान ग्रहण करें।
ये तो कोई दैत्य है। वो देखो दैत्य जा रहा है। शंकर महाकाल वैद्यनाथ जय केदारेश्वर रामेश्वर सोमनाथ जय भीमाशंकर महाकाल वैद्यनाथ जय केदारेश्वर। नाथों के नाथ की भोले विश्वनाथ की महिमा का गा शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय शिव महा